नमस्कार, के एन एन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है दरगाह नाहर शाह वली के सामने, जहां पर सदन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ हो रहा है। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री भी आने वाले हैं कुछ ही देर में। आज हम बात करेंगे यहां पर मौजूद डॉक्टरों से, जानते हैं आइए कि क्या इस मिशन का मतलब क्या है और देश के बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या आगे कदम उठाने वाले हैं। मिशन इंद्रधनुष की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष जी, जो कि राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सर, मिशन इंद्रधनुष है क्या? मिशन इंद्रधनुष है बच्चों की ज़िंदगी को खुशहाली देने के लिए, उनको संपूर्ण टीकाकरण करने। संपूर्ण टीकाकरण की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा जन्मा है उसको BCG पेंटावेलेंट पहला, दूसरा, तीसरा टीका, साथ में दो बूंद जिंदगी की तीनों बार, और 9 से 12 महीने में MR का टीका। ये पूरे अगर टीके मिल जाते हैं एक साल के भीतर तो वो पूर्ण टीकाकृत कहलाता है। अगर बूस्टर डोज DPT पोलियो और MR सेकेंड डोज मिल जाता है तो वो संपूर्ण टीकाकृत बच्चा कहलाता है। तो ये 2 साल के बच्चों को फोकस करते हुए इंद्रधनुष का कार्यक्रम जारी किया गया है भारत शासन ने, और हमारे 271 जिले पूरे देश के और 43 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हुए हैं, जिसमें 260 ब्लॉक में हम ये मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम पहुँचे उन तक जो न पहुँचे हम तक, ये हमारी थीम है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी है उसके पास तो हमारी आंगनवाड़ी आशा बुला के बच्चों को लाती है, गर्भवती को हम टीकाकरण कर देते हैं, मगर जो दूर क्षेत्र में है, हमारे प्रदेश में 1000 से ज़्यादा सघन वन ग्राम है, हमारे प्रदेश में 120,000 मजरे टोले हैं, 5000 ऐसी साइट हमने चिन्हित की है जहाँ ईंट भट्टे, क्रशर, घुमक्कड़ आबादी है। तो इन तक पहुँचना, इसके लिए हमने मोबाइल टीमों का गठन किया है, उनको गाड़ियों के माध्यम से हम उन क्षेत्रों में पहुंचाएंगे। आपको बता दूं, अलीराजपुर में 50 किलोमीटर जल मार्ग है, वहां हमने जन्नी एक्सप्रेस लगाई है, बोट के माध्यम से भी जाएंगे। तो हर वो कोशिश जारी है जिससे हर बच्चे तक हमारी पहुँच हो, हर घर तक हमारी पहुँच हो। सर, हर बच्चे तक पहुँचो, हर घर तक पहुँचो, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन बहुत बार जैसे कि चौराहों पर देखा जाए तो बच्चे घूमते रहते हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि उनका तो कुछ नहीं होता, आज यहाँ है तो कल कहाँ है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। इनको बोलते हैं माइग्रेटरी पॉपुलेशन, घुमक्कड़ आबादी का। तो जहाँ भी वो रात में बसेरा होता हैगा, वहाँ जाके हम उनका नामांकन करते हैंगे। और इन टीमों को ये भी बोला है कि फ्लेक्सिबल टाइम, वैसे 9 बजे से 4 बजे तक टीकाकरण कार्यक्रम है, अगर वो 7 बजे जंगल की ओर रवाना होते हैं तो उसके पहले पहुंच के उनको टीकाकरण करना, शाम को अगर 6 बजे के बाद आते हैं तो हम लोग वहाँ तक पहुँचें लेट इवनिंग भी, तो ये भी हिदायत दी गई है हमारे कर्मचारियों को। सर, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम चरण है, तो इस तरीके के और कितने चरण हैं और क्या क्या रहता है इन चरणों का, मतलब क्या है इन चरणों का? चरणों का मतलब होता है, देखिए कोई भी बच्चा है उसको 1.5, 2.5 और 3.5 महीने, ये 3 टीके लगना अनिवार्य होंगे। जो सिंगल डोज बेनिफिशियरी कहलाता है, एक ही टीका लगता है, वो BCG है और MR है, तो वो तो हम 95% कवर कर लेते हैं। मगर जब फर्स्ट डोज हम लगाते हैं 1.5 महीने पे, और जैसा आपने सही बताया कि वो कुछ समय के लिए बाहर चले गए, देखिए हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो अंतर्राज्यीय 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो चाहे तो वो 35 हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ हमने इंटर स्टेट बॉर्डर को चिन्हित किया है। जब हम वहाँ तक पहला डोज लगाते हैं उसके बाद वो अपने रिश्तेदारी में चले गए, अगले डोज में जाते हैं तो बीमारी के कारण इलाज को चले गए, तीसरी बार जाते हैं तो वो रोज़गार को चले गए। तो उनका आना जाना, जो आवागमन लगा हुआ है, उसको हमने अब टेलीफोन से जोड़ा हैगा, उनके टेलीफोन से जोड़ा है हमने अंतर्राज्यीय जितने भी डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर और राज्य टीकाकरण अधिकारी, स्वयं मैंने देखा हैगा कि उनसे सहयोग ले रहे हैं। उनने ये बोला है कि आप टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम कांटेक्ट करके उनको टीकाकृत उधर करेंगे उस राज्य। हिंदुस्तान को स्वास्थ्य में नंबर वन बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य के लिए हिंदुस्तान के वासियों? देखिए, स्वस्थ जीवन के 4-5 आधार होते हैंगे, उसको आप अगर उस नियमित ढंग से, उस ढंग से हम जिंदगी जिए तो कोई बीमारी आपको नहीं रोकेगी। पहला, शुद्ध पेयजल। 80% बीमारी गंदे पानी से होता है। पानी पीने के पहले देखें, मटमैला तो नहीं, सूंघें, बदबूदार तो नहीं, चखें, खट्टा या कड़वा तो नहीं, फिर पिए, तो 80% बीमारी तो आपने ख़त्म कर दी। स्वच्छ वातावरण, जहाँ रह रहे हैं वहाँ स्वच्छता अभियान चल रहेगा, आप भी उसमें शामिल हों। इसके बाद हैगा भोजन। भोजन जो हम खा रहे हैं स्वच्छ शुद्ध भोजन होना चाहिए, खुले में जो बिक रहा हैगा सामान उसको ना खाया जाए। संपूर्ण टीकाकरण कराएँ और नियोजित परिवार, तो ये 5 हमारा संदेश है। इसको आप अगर अमली जामा देते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपको बीमारी आपके घर आए।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं CMHO प्रवीण जड़िया जी। प्रवीण जड़िया जी से जानते हैं यहाँ के सर, सबसे पहले तो ये बताइए मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप क्या बताएंगे। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है इसकी परिकल्पना 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, 2017 अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर तथा 2018 जनवरी में 4 चरण इसके चलाए गए थे और 14 जिले इसके मध्य प्रदेश के चुने गए थे। इंदौर इकलौता शहर था जहां पर ये चलाया गया था। इसके पश्चात जो रिजल्ट आए थे करीब 26% की बढ़ोतरी हुई थी पूर्ण टीकाकृत बच्चों में। यह असर देखते हुए यह निर्धारित किया गया कि एक बार पुनः यदि किसी तरह से मिशन मोड में टीकाकरण किया जाए तो जो टीकाकरण का प्रतिशत पूर्ण नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं जो भी उपस्वास्थ्य केंद्र स्तर पे, उसे प्राप्त किया जा सकता। तो सबसे पहले ऐसे उपस्वास्थ्य केंद्र ढूंढे गए जहां पर 90% से कम का टीकाकरण है। ऐसे हाई रिस्क एरिया चिन्हित किए गए जिनमें स्लम्स आती हैं, माइग्रेटरी हों या फिक्स स्लम्स हों, नोमेडिक साइट्स हों, कंस्ट्रक्शन साइट्स हों या ईंट भट्टे हों, कुछ भी हो ऐसे जो लोग नियमित टीकाकरण नहीं कराते या वंचित हो जाते, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और उनको एक सूची बनाई गई और ये देखा गया कि उनमें टीकाकरण, कौन सा टीकाकरण उनको हुआ है और कौन से टीकाकरण से ये वंचित है। इसी तरह से महिलाओं को भी देखा गया कि कौन सी महिलाएं हैं जो गर्भवती होने के बावजूद भी उन्हें 2 टिटनेस के जो टीके लगने थे वो लगे हैं अथवा नहीं लगे, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही टीके लगा और दूसरा टीका बच गया या दोनों ही टीके नहीं लगे, ऐसी महिलाओं को भी देखा गया। जब ये सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया तो हमारे पास लगभग 5000 बच्चे और 1300 महिलाएं सामने आईं जो कि टीकाकरण से कहीं ना कहीं वंचित थी। इनको पूरा करने के लिए इंदौर ज़िले में 846 सत्र लगाए जा रहे हैं। सत्र ऐसी जगह पर लगाए जाना है जहाँ कम से कम 5 हितग्राही हों, 3 बच्चे 2 माँ ऐसा भी हो सकता है या कुछ भी हो, 5 से कम हो अगर हितग्राही रहते हैं तो ऐसी जगह पे हम मोबाइल टीम भेजेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे लगभग 1000 कर्मचारी ऐसे रहेंगे जो कि मिशन इंद्रधनुष में काम करेंगे, टीकाकरण करेंगे और ये एक 846 जगह पर स्थायी रूप से बैठकर काम करेंगे और बाकी जगह ये मोबाइल के रूप में काम करेंगे। ये जो मिशन इंद्रधनुष है आज से प्रारंभ हो रहा है और 6 कार्य दिवस में काम करना है, इसे चलेगा। अगले माह भी 6 कार्य दिवस में, प्रत्येक माह की प्रथम सोमवार से यह प्रारंभ होगा और आगामी 7 कार्य दिवस तक यह चलेगा। सर, टीकाकरण के लिए देखा जाए तो ज़्यादातर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इसमें इन्वॉल्व रहती हैं क्योंकि उन्हीं के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचती है या फिर टीकाकरण की प्रोसेस उन्हीं के थ्रू पहुंचती है। तो अभी हमने सुना है कि अंडा और कुछ वितरण करने का चल रहा है सरकार का, लेकिन उसके लिए बहुत सारी आपत्तियां भी आ रही है, तो उसके लिए क्या अभी क्या चल रहा है? 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले थे लेकिन आज 2 तारीख हो गई है। देखिए यहाँ तक अंडा वितरण का सब प्रश्न है, ये एक अंतर विभागीय निर्णय है, ये आंगनवाड़ी विभाग का निर्णय है, इस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और जहाँ तक टीकाकरण में इन्वॉल्व होने की बात है तो हमारी अधिकांश जो टीकाकरण सत्र होते हैं वो आंगनवाड़ी में ही लगाए जाते हैं और यह मिशन इंद्रधनुष में भी हम लोग न सिर्फ आंगनवाड़ी बल्कि 13 अन्य विभागों का भी सहयोग ले रहे हैं। अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हो चुकी है, कलेक्टर महोदय ने जिला पंचायत की CO मैडम को इसका नोडल बनाया है और अंतर विभागीय समन्वय से ही ये काम होगा।